देखिए, किसानों का कर्जा माफ करेंगे और बिजली का बिल हाफ करेंगे, इस तरह के सूत्र वाक्य कह के कांग्रेस पार्टी पहले पूरे प्रदेश को छलने का काम किया करती थी, लेकिन अब ये नई शगुफेबाजी लेकर आई है कि 28 विधानसभा में 28 तरह के वचन पत्र पेश किए जाएंगे। आदरणीय कांग्रेस और आदरणीय कमलनाथ जी, जिस तरीके से आपने छल छल कर मध्य प्रदेश को छलनी कर दिया है, अब कोई भी आपकी बातों में नहीं आने वाला। आपको वचन पत्र की जगह क्षमा याचना पत्र पेश करना चाहिए, क्योंकि जनता तो आपको घर बैठाने ही वाली है। लेकिन यह भी साबित हो जाए कि जो आपने गलतियां मध्य प्रदेश को लेकर करी हैं, वो माफ करने योग्य नहीं थी। और जहां तक आप राजकीय आपदा घोषित करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को यह जानकारी होना चाहिए कि जो वैश्विक महामारी होती है, उसको आप आपदा नहीं मनाते, बल्कि आप स्वयं अपने कमलनाथ जी की वजह से जो आईफा अवार्ड में व्यस्त रहे और हीरोइंस के साथ गलवैया करते रहे, उनके कारण से आपदा और महामारी मध्य प्रदेश में बढ़ी थी। इसलिए आपको क्षमा याचना पत्र मांगना चाहिए और कांग्रेस को अपने आप में एक राष्ट्रीय आपदा पार्टी घोषित कर देना चाहिए। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।